subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो वतन वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो शहीद तेरे खून से महक उठेगा ये चमन मिलेगी जिंदगी तुझे बनेगी मौत भी दुल्हन तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो ओ अर्जुन सिंह के घर फिर थाली बज रही है अरे धुलिया अर्जुन सिंह के घर में दूसरा पोता हो गया और तूने अभी तक एक भी पैदा नहीं किया ओ, मेरी क्या गलती है अरे मंगलू दारजी दारजी ओ सच्ची क्या हुआ क्या हुआ तुझे ओ बेटा 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 ओ अरे मुझे नहीं दारजी को ओ भाई साहब बेटा हुआ है ओ बेटा जन्मा तो मिले बधाइयां कर्मा वाली को बेटा जन्मा तो मिले बधाइयां कर्मा वाली को भागो वाला बेटा जन्मा है बधाई हो माता जी जीते रहो माता जी आपके भी पाए लगो जी हो खुश रहो बेटा कब हुआ जी अभी हुआ बेटा यानी कि तुम्हारे पाव भी नहीं पड़े होंगे गांव में मेरा ख्याल है अभी तक घुट्टी भी नहीं दी गई होगी उसे माता जी ये बताओ भाभी कहाँ है भाभी तो अंदर है अभी आया अरे रुक जा कहाँ जा रहा तू अभी अंदर नहीं जा सकता कैसे नहीं जाना मैं अभी आता हूँ छोड़ो मुझे भाभी बधाइयां भाभी बधाइयां तुझे भी भाभी ये तो बहुत ही नन्हा सा है मैं इसको घुट्टी दूं दे दे वो कटोरी में रख हाँ अरे मेरी उंगली ना चबा लेना मेरी उंगली ना चबा लेना बच्चे का नाम क्या रखा है पागल हो गया है क्या नाम क्या पैदा होने से पहले ही रख लेते अरे नाम तो इसने खुद ही रख लिया है पैदा होते ही चाचा की हथकड़ियां खुलवा दी इसने भागो वाला है भागो वाला भागो वाला बस तो फिर यही नाम ठीक है भागो वाला भाई है तो वो भागो वाला ही पर हम उसका नाम घुट्टी देने के बाद ही रखेंगे माता जी मैंने उसको घुट्टी दे दी घुट्टी तूने दे दी हाँ ये अच्छा नहीं किया क्यों तो फिर वो तेरे ऊपर ही जाएगा मेरे जैसा आगे आगे वो और पीछे पीछे पुलिस अले ले ले ले। चुप हो जा माता जी ये भगत क्यों रो रहा है पता नहीं रोए जा रहा है ओए ओए चुप हो जा ओ देखो चुप हो गया इसको मैं घोड़े पर बैठाता हूँ शुक्र है घोड़ा ही बन रहा है। ओ भाभी मैं भगत के लिए गधा बनने को भी तैयार हूँ आ भाई मेरे भगत तुझे गाना सुनाऊँ और तुझे देश भगत बनाऊँ आ भाई मेरे भगत तुझे गाना सुनाए और तुझे देश भगत बनाए भारत माँ की ठंडी छाँव थी काली आंधी आई है गोरों ने लूट मचाई है हम शोर मचाएंगे गोरों को भगाएंगे वंदे मातरम गाएंगे सोया देश जगाएंगे भारत माँ की ठंडी छाँव थी काली आंधी आई है गोरों ने लूट मचाई है
हम शोर मचाएंगे, गोरों को भगाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, सोया देश जगाएंगे। चाचा ये कैसा डंडा है? बेटा ये डंडा नहीं है, ये बंदूक है। बंदूक ये किस काम आती है? इससे अंग्रेजों को मारेंगे। अंग्रेज कौन है? हमारे देश में व्यापारी बन के आए थे और आज हम पर राज करने लग गए गोरे। एक बंदूक से सारे अंग्रेज मर जाएंगे चाचा? बेटा मैं एक से अनेक बना लूंगा। ऐसा है चाचा, तो मेरे लिए भी एक बंदूक बना दो ना। जरूर बेटा, तुम बंदूक कह रहे हो, मैं तुमको तोप बना कर दूंगा। दादी आपको माता जी बुला रही है। मंगलू बड़े भाई साहब आ गए? वो तो खेतों में गए जी। अच्छा तू चल, मैं आता हूँ। अच्छा जी। चल और पट्ठा। बहुत अच्छे। चल था। अरे भगत ये क्या है? बंदूक। बंदूक? हाँ चाचा ने बना के दी है। तारजी इन दानों का खेत में क्या काम? इनको तो माता जी पिस के आटा बनाती हैं। इन दानों को खेत में बीजेंगे। क्यों? एक दाना बीजने से कई दाने बन जाते हैं। सच? और क्या झूठ। शाबाश पटो। अरे ओ इस तरफ। हाँ। अरे भगत ये क्या कर रहा है? बंदूक बीज रहा हूँ। बंदूक बीज रहा है? हाँ एक बीजने से बहुत बन जाएंगी, फिर हम अंग्रेजों को मारेंगे। चाचा ने कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, उनको मार मार के देश से बाहर निकाल देंगे। अरे जुग जुग जियो, जरूर मार मार के बाहर निकाल देंगे उन्हें। मुझे हथकड़ी क्यों लगाई है? इसलिए कि मैं भारत माता सोसाइटी का मेंबर हूँ। हम तुमको और तुम्हारी भारत माता सोसाइटी को देखेगा। इंस्पेक्टर ले चलो इसे। नहीं नहीं माई बाप, ये बेकसूर है। तुम कौन है? मैं अमर का बाप हूँ हुजूर। इसने तो कभी माचिस जला के नहीं देखी, पिस्तौल कैसे चलाएगा हुजूर? कल इसकी बहन की शादी होने वाली है, माफ कर दो हुजूर। ज्यादा खनिंग बनने की कोशिश मत करो। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल ओए। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल ओए। पगड़ी संभाल जट्टा। हरियाली है तू दुनिया की झोली भरता, तेरी झोली खाली है खुशहाली का दाता होके। खुशहाली का दाता होके हुआ हाल बेहाल। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल ओए। पगड़ी संभाल जट्टा। फिर भी सोनी तेरी रातें, दिन तेरे हैं काले ओए, सदियों से जालिम संग तेरे, सदियों से जालिम संग तेरे चलते पैनी चाल ओए।
पगड़ी सवाल चचा पगड़ी सवाल वे बैरियों ने लूट लिया आज तेरा माल वे पगड़ी सवाल चचा रहा तो मुंह किस दिन तू खोलेगा तेरे गले का फटा चिथड़ा उससे हाथ तू धोलेगा उठ के मांग हक तू अपना वरना ये भी खो देगा एक दिन अपनी ही धरती से बेगाना तू ओ ठहर जा घोड़े पे चढ़ के आया क्या ओ सुनो जी दादी देसी और विदेशी दोनों गवर्नमेंट आ धमकी कहो क्या बात है अजय सिंह किधर है उसने हमारा एक मुजरिम भगा दिया हम उसको गिरफ्तार करना मांगता है ओ जान दे जहाँ पकड़ना था वहाँ नहीं पकड़ सका यहाँ क्या पकड़ेगा खबरदार जो मेरे मंगलू को हाथ लगा है तो जा पहले तलाशी का हुक्म लेके आ हम सरकार से टक्कर लेगा हम पैदा ही सरकार से टक्कर लेने के लिए हुए हैं हम तुम सबको देख लेगा चलो ये देखेगा हमें कहाँ गई भगत ओ भगत क्या ढूंढ रहा है एक चीज बता तो सही बंदूक बंदूक हाँ ये बंदूक किस लिए मैं उस अंग्रेज को मारूंगा जो बाहर बाबा से लड़ रहा है हे वाहे गुरु चल बस वो चले गए भाग गए बाबा से डर के ओ नहीं भाई हम दोनों से डर के प्रणाम कौर क्या हुआ बेटा अपने चाचा की बोली बोल रहा है घुट्टी का असर बंदूक ढूंढ रहा था हा? कहता है अंग्रेज को मारूंगा बेटा बंदूक उठाने लायक तो हो जा ये लो माताजी हम दोनों मिलके उठा लेंगे तू बोले बगैर नहीं रहेगा मुझे क्यों मारते हो माताजी मैं कोई अंग्रेज हूँ चल हरनाम रोटी बनाए ओ तू तो चोरों जैसे चौंक रहा है तेवर तो तेरे बड़े अमीरों वाले हैं और करतूत फकीरों वाली क्यों लल्लू चल फूट यहां से नहीं जूते मार के सर गंजा कर दूंगा तेरा चलाट बड़ा आया पुलिस वाला है लीजिए खाइए क्या हुआ जी नहीं करता एक फुलका तो खा लो पुलिस अजीत को जगह जगह ढूंढती फिर रही है वो बेचारा भूखा प्यासा छुपता फिर रहा है तो मैं कैसे रोटी खाऊं भाई साहब अजीत भाई साहब मैं आ गया अजीत भाई साहब पाय लगाऊं जीते रहो वो पुलिस वाले तुझे यहाँ भी ढूंढने आए थे पर बापू जी की तगड़ी डांट के सामने वो टिक ही नहीं सके भाई साहब ये पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मुझे ही देश छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरता पर जैसी मौत वो मारना चाहते हैं मैं वैसी मौत बिल्कुल नहीं मरना चाहता मैं देश के बाहर रहकर भी देश की सेवा करूंगा बहन जी मैं चारा डाल के आती हूँ भाभी भगत कहाँ है सोया हुआ है तेरे कदमों पर चल रहा है आज बंदूक ढूंढ रहा था घुट्टी का असर होगा ही मैंने दी थी ना हाँ
भगत सिंह, मुझे तो देश छोड़ना है। देश की आजादी की डोर अब तेरे हाथ है। हरनाम, हरनाम कौर, आंखों में आंसू भर के बस शकुनी ना करना। पंजाब की लड़कियां दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले पति को विदा करना चाहती हैं। हरनाम, भगत का ख्याल रखना। वही करती हूँ रात दिन। चाची, चाचा जी नहीं आए? आए थे। कहाँ है? चले भी गए। आए भी और गए भी? हाँ भगत। वो कब लौटेंगे? ईश्वर ही जाने, उनके पैरों में चक्कर है बेटा। चाची देखो तो, मेरे पैर में भी चक्कर है या नहीं? अभी बच्चा है तू, चल सो जा, चल। चाची ये कौन है जिन्होंने बसंती चोले पहने हैं, जिनके सारे पैर छू रहे हैं? ये दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सच्चे भक्त पांच प्यारे हैं, जिनको महाराज ने शहीद करके जीवित किया था, मार के फिर जिंदा कर दिया था। हाँ भगत, आज इन शहीदों के अमर हो जाने का दिन है। ये पांच प्यारे अमर हैं, हर गुरुपर्व पर इनके दर्शन होते हैं। भगत तुझको याद है, हम गिदड़ों को शेर बनाया कलगी वाले ने, हम गिदड़ों को शेर बनाया कलगी वाले ने। माँ! क्या है बेटा, छोड़ ना मुझे। माँ माँ, तुम ये क्या रंग रही हो? बसंती पगड़ी, कल बसंत है ना, सारे कल बसंती पगड़ी बांधेंगे। वो देख तेरी पगड़ी सूख रही है। लो माँ, मेरा चोला भी बसंती रंग दो। पगला, कोई चोले को भी बसंती रंगता है? लो, उन पांच प्यारों ने बसंती रंग के चोले नहीं पहने थे। वो तो गुरुओं के अमर शहीद है भगत। चाची भी यही कहती थी, वो शहीद और अमर हो गए। मैं भी बसंती चोला पहन के शहीद और अमर हो जाऊंगा। भागो वाले। ऐसा नहीं कहते बेटा। अरे ये क्या किया? भागो वाले, ये क्या किया? जान लुटावा मैं।
रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला बसंती चोले नु परताप ने जद अपनाया सी तलवारां दे साए विच वी गीत वतन दा गाया सी गीत वतन दा गाया सी इस बसंती चोले नु उस वीर शिवाजी पाया सी वीर शिवाजी पाया सी जिसने कौम दी गैरत खातर दा जिंदड़ी दा लाया सी दा जिंदड़ी दा लाया सी रंग दे बसंती चोला मां मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मां मेरा रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला लक्ष्मी बाई सी जिसने सिर ते कफन बन के चुन्नी सिर तो लाई सी चुन्नी सिर तो लाई सी इस बसंती चोले नु अंग संत सिपाही लाया सी संत सिपाही लाया सी सवा लख नल इक लड़ा के गोविंद नाम कहाया सी गोविंद नाम कहाया सी रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए रंग दे बसंती चोला रल के आज कसम खाने हैं मौत तो ना घबरावांगे तो ना घबरावांगे जान तजे गल आ जावेगी जान बिदाते लावांगे जान बिदाते लावांगे इस बसंती चोले दा जग दे विच मान वधावांगे विच मान वधावांगे वीर शहीदां दीरा पढ़ के अमर शहीदी पावांगे अमर शहीदी पावांगे सिपाहियों ढेर लो इन सबको कोई खिसकने ना पाए खिसकते हैं गीदड़ और बिल्लियां ये शेरों की फौज है शेरों की चुप रहो चलो सारे जरूर यही तो चाहते थे हम सब दुर्गा भाभी चलो चलो ठहरो इन दोनों की कोई जरूरत नहीं बाकी तुम सारे चलो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम क्या नाम है तेरा भगवती चरण तेरा क्या नाम है झंडा सिंह और तेरा यशपाल तेरा नाम मुझसे पूछा है हाँ हाँ मैं सुखदेव और मेरा नाम भगत सिंह वल्द किशन सिंह मैं जानता हूँ सुनो लड़को आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ खबरदार जो दोबारा इस तरह का गीत गाया तो तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है जाओ जाकर जी लगा कर पढ़ाई करो आओ साथियों चलें भगत सिंह क्यों मुझे भी पढ़ना है देखो भगत हाँ
मुझे पता है कि तू उनका लीडर है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू बड़ा इंटेलिजेंट है। कोई अच्छा भला काम कर। मैं तो सोचता हूँ अच्छा भला काम ही कर रहा हूँ। अजीत, गुलामी का फंदा एक दिन तो गले से उतारना ही है ना। सरकार से टक्कर लेना मजाक नहीं है भगत। 1857 में कितनी बड़ी क्रांति आई थी, फिर भी अंग्रेज ने सबको कुचल के रख दिया। उस क्रांति को आज 70 साल हो चुके हैं अजीत। आज वो चिंगारी ज्वालामुखी बन चुकी है। अच्छा अजीत, वंदे मातरम। चाचा किशन सिंह ही कर सकेंगे इसका फैसला। वाह दारजी, मूलियां तो बहुत बढ़िया है। किसके खेत से उखाड़ लाए? अरे किसी के खेत से क्यों उखाड़ेंगे, अपने खेत नहीं है क्या पागल कहीं का? भूल गया था। सत्रीकाल जी। सत्रीकाल। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। मिल आए भगत सिंह को? हाँ जी, मिल आए थाने में। थाने में क्यों? वो सारा दिन देशभक्ति के गाने गाता रहता है। मेरे ख्याल में उसको पढ़ाई का कोई शौक नहीं है। किशन सिंह बेटे को पढ़ाई के बारे में फालतू ना टोका कर। तू अपना भूल गया? स्कूल के बहाने सारा सारा दिन गुल्ली डंडा खेल के घर में आ घुसता था। बापूजी, मैं उसकी सरगर्मियों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा कहना है कि वो पर अभी तो आपने कहा कि पढ़ना पढ़ाना तो उसे है नहीं। वो तो है ही। इस बार वो कॉलेज की छुट्टियों में आएगा तो उसको आप ही समझाना। जरूर। ले भगत, रोटी ले। नहीं नहीं, बस बस चाची, बस बहुत ले हो गया। ना नहीं नहीं बस चाची। भागो वाले, शहर जाके तो तेरी भूखी मर गई है। हरनाम, दे इसको एक फुलका। बेबे, चाचा की कोई चिट्ठी आई? नहीं बेटा, तेरा एक चाचा तो देश सेवा करते करते ईश्वर को प्यारा हो गया और दूसरा चाचा विदेशों में कहीं भटक रहा है। सुन भगत, जल्दी जल्दी खा, लंबरदार के घर लोड़ी है, वहां नहीं जाना क्या? हौले हौले खा। चाची कहती है जल्दी जल्दी खा और तू कहती है हौले हौले खा। कमाल है, मैं क्या करूं? मेरी मंगनी तो हो गई है माँ। क्या कहा, मंगनी हो गई है? हाँ माँ। तूने खुद ही ये काम कर लिया, बताया तक नहीं। इसलिए तो मैं तुझे शहर जाने से मना करती थी, क्योंकि शहर में जाके लड़के खुद ही लड़की ढूंढ लेते हैं। माँ, वो तो मैंने होश संभालते ही ढूंढ ली थी, चाचा ने ढूंढ के दी थी। चाचा ने? हाँ माँ। किसकी लड़की है, उसका नाम क्या है? भारत माता की है, नाम उसका आजादी है माँ। क्या बोल रहा है भगत, सारा परिवार उसके साथ ब्याह करेगा? माँ, एक व्यक्ति दो लड़कियों से ब्याह नहीं कर सकता। भागो वाले, मैंने किसी की माँ को वचन दिया है। तूने बड़ी जल्दी की है माँ, मैं मजबूर हूँ। हाँ भागो वाले, माँ तो तभी तक ही कुछ लगती है जब तक चलना फिरना ना आता हो। अब तो तू बड़ा हो गया है, अब मैं तेरी क्या लगती हूँ? माँ, तू मुझे गलत मत समझ, तू मेरी माँ है। अगर तू मुझे माँ समझता है तो तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता? तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? तेरे सिर पर सहरा बंधा देखने का बड़ा दिल करता है, मेरे बड़े अरमान है। माँ, तेरे से बड़ी भी एक माँ है जिसका नाम है भारत माता। लेकिन माँ, गुलाम होकर क्या ब्याह करना? भगत, तू माँ को हंसाने आया है या रुलाने? चल यहां से, चल। बहन जी, उसने तो कोरा ही जवाब दे दिया। मैंने सब सुन लिया। हरनाम कौर, तू ही उसे समझा, तेरी बात कभी नहीं टालता है। चाची, तुम्हारा कहा आज तक माना है, मगर सच ये है ब्याह तुम्हारा भी हुआ है ना, तुमने चाचा के साथ क्या सुख उठाया? पर बहन जी बहुत दुखी हैं। मेरे ब्याह के बाद और भी दुखी हो जाएंगी, क्योंकि इस घर में पराई लड़की कभी सुख नहीं उठा सकेगी और सारा दिन सिसकियां भरा करेगी तुम्हारी तरह। चाची,
चाची, मैं देश भर की चाचियों के आंसुओं को हंसी में बदलने का जतन कर रहा हूँ। मैं उन बहनों के भाइयों को वापस लाने के लिए लड़ रहा हूँ जिनके हाथों में राखी भाई के लौटने का इंतजार कर रही है। चाची, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भी चाचा की राह पर चलकर देश को आजाद करा सकूं। भगत, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। खाले ओ भूतनी के गुड़ है, कोई जहर नहीं? नहीं खाता? मैं खाता हूँ, अब तो खाले। पाँव पड़ता हूँ चाची। जुग जुग जियो। पाँव पड़ता हूँ बेबे। जीते रहो भांगो वाले, लंबी उम्र हो। तेरी माँ और चाची ने जो बात तेरे से कही है ना, उसके बारे में सोच के मुझे जल्दी जवाब देना। आखिर लड़की वालों को हमें भी तो कोई जवाब देना है। चलता हूँ। जीते रहो। अपना ख्याल रखना और जवाब जल्दी दे देना। ओ बिस्मिल साहब, आधा बरसे। आधा बरसे मियां, आधा बरसे। हाँ भाई दत्त, इनसे मिलिए। ये हैं सरदार भगत सिंह उर्फ बलवंत सिंह। भगत सिंह उर्फ बलवंत सिंह? हाँ, इनका नाम तो है सरदार भगत सिंह, लेकिन ये बलवंत सिंह बनकर कानपुर में प्रताप अखबार को एडिट करेंगे। ओ ताई ना की, आई सी। और ये हैं अपनी पार्टी के नौजवान मेंबर बटुकेश्वर दत्त। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दत्त। प्लीज टू मीट यू। धन्य है आप जो पढ़ाई भी करते हैं और देश सेवा भी। एक्चुअली भगत सिंह जी, सॉरी बलवंत सिंह जी, आपने देश के लिए पढ़ाई नहीं, माँ बाप सारा परिवार छोड़ दिया है। मैंने कहा तुम अपनी अपनी तारीफ किए जाओगे कि हमसे भी आंख मिलाओगे? अम्मा मियाँ, आंखें ही मिलानी है तो जरा आंखें सीधी तो कर लो। बिस्मिल साहब, सीधी आंखों से तो सारे आंख मिलाते, पर लोग तो इन तिरछे नैनों के आशिक हैं। अर्ज किया है, तिरछे नैन कटार से तीखे जाए कलेजे पार। तिरछे नैन वाले, अपना नाम तो बता दे। जी, मेरे पिता का नाम है निर्धन प्रसाद, हम उनके दो बेटे हैं, धनीराम और मनीराम। मेरा नाम धनीराम और सॉरी मनीराम। धन को भी तो अंग्रेजी में मनी कहते हैं ना, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। बादशाह हुआ क्यों नहीं, हम दोनों ने इकट्ठे जन्म लिया, हम दोनों की शक्ल एक, अकल एक और तिरछे नैन भी एक। मैं उसका प्रबंध कर लूंगी। कर लिया प्रबंध? ले आती हूँ बहू ब्यालाई भगत को। मैं कहता हूँ बहू को लाते लाते बेटे को भी हाथ से गंवा दिया। कुछ तो पता लगा होगा कि कहाँ चला गया। चाचा का पता लगा था, जो भतीजे का लगेगा। क्यों, कहीं विदेश तो नहीं चला गया? कह नहीं सकता, मैंने लोगों को इधर उधर भेजा है, अगर देश में होगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, जहां भी हो सुखी रहे, लंबी उम्र हो, वाहे गुरु राखनहारे। जीते जी न पकड़ सकी जिसे अंग्रेजी सरकार, वो वीर क्रांतिकारी जिसे जाने सारा संसार, यही है वो चंद्रशेखर आजाद। Thank you.
साथियों प्लीज बैठ जाओ। साथियों वैसे पार्टी में काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मनी की, यानी पैसों की। पैसों के बगैर हम हथियार कैसे खरीदेंगे कि कुरी किन बोमड़ा। मिस्टर चटर जी पैसा आएगा कहां से? पैसों की फिक्र तुम क्यों करते हो, मैं करूंगा। ये लो। हाँ? ये सरदार जी यहां कैसे आए? ए सरदार भगत सिंह लाहौर से आए हैं। मगर इन्हें यहां कौन लाया? ये धोखा भी तो हो सकता है। धोखा? भारत माता सोसाइटी वाले सरदार किशन सिंह का बेटा भगत सिंह कभी धोखा नहीं करेगा। पगड़ी संभाल जट्टा तहरीक के बानी सरदार अजीत सिंह का भतीजा दगा नहीं देगा। तो अजीत सिंह तुम्हारे चाचा हैं? जी हाँ, मेरी रगों में इस देश के लिए चार पुत्र तथा पिता का बलिदान देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी का खून दौड़ रहा है। मगर तुम्हें हमारे साथ काम करने से पहले परीक्षा देनी होगी। बोलिए क्या करना है। मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग द्वारा ही तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा। मुझे खुशी हुई जानकर। मगर मैं उस महापुरुष की तरह शहीद कर देने के बाद जिंदा नहीं कर सकूंगा। क्या जरूरत है, शहादत खुद एक जिंदगी है। अच्छा, अरे, 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 ये क्या हुआ आजाद जी को? आओ मेरे साथ। सरदार जी एक बार फिर सोच लो। मैं बार बार सोचने का आदी नहीं। अच्छा तो फिर आ जाओ सामने। बिस्मिल साहब आजाद भगत सिंह की जान ले लेगा, इन्हें भगत सिंह पसंद नहीं है। एक दो तीन। शाबाश नौजवान, शाबाश। क्यों आजाद भैया, कैसा रहा हमारा इंतखाब? बहुत खूब, बहुत खूब। साथियों आज से भगत सिंह अपनी पार्टी के नए मेंबर हुए। देश का नारा वंदे मातरम, कौम का नारा वंदे मातरम, देश का नारा वंदे मातरम। हाँ भाई बिस्मिल साहब, हो जाए कुछ इस मौके पे। हाँ भाई क्यों नहीं, क्यों नहीं। आज ही ये गजल हुई है, अर्ज करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना। बिस्मिल साहब ऐसे नहीं, ये तमन्ना जरा तरन्नुम में गई है। बाकी व्यापार। मैं और तरन्नुम में? अरे नखरे करता है रे, गाता है या चलाऊं गोली। अरे रे तुम तो हर बात पिस्तौल से ही करते हो। अच्छा तो सुनो। सुनो सुनो। अर्ज किया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह 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 बिस्मिल साहब, कमाल हो गया। क्या कहा जी, मेरा भागो वाला कानपुर में है। सुना हर नाम को, मेरा भागो वाला कानपुर में है। आप जाके उसे ले क्यों नहीं आते? अगर मैं कानपुर गया तो नागपुर चला जाएगा, वो ब्याह के डर से भागता फिर रहा है। अच्छा तो एक काम करो, उसको खत लिख दो कि तेरी बात तुझे बहुत याद करती है। इसके साथ ये भी लिख देना मंगलू बड़ा याद करता है तुम्हें। साथ ही ये भी लिख देना कि मैं उससे ब्याह की बात तक भी नहीं करूंगी। मैंने खत लिखा है, तू सुन ले। अच्छा सुनाओ। बरखुरदार भगत सिंह, जुग जुग जियो। काफी दिनों की पड़ताल के बाद हमें पता चला है कि तू कानपुर में है। तेरी खबर न मिलने के कारण तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका दिल तुझे मिलने को करता है, तू खत मिलते ही घर आ जाना। साथ ही ये भी लिख दो कि तेरी माँ तुझसे ब्याह का जिक्र तक नहीं करेगी। हम तेरी देश सेवा की भावना से बहुत खुश हैं, देश सेवा से बड़ा काम हो ही नहीं सकता। वाहेगुरु तुझे तेरे इरादे में कामयाब करेगा, आके माँ का आशीर्वाद जरूर ले जा। वो ब्याह का नाम तक भी नहीं लेगी। एक बार लिख दिया ना? नहीं नहीं आप बार बार लिखो, एक बार और लिखो, उसको पूरा विश्वास दिलाओ। और ये भी लिखो कि तेरी चाची भी तुझसे ब्याह की बात नहीं करेगी। और दारजी खत में ये भी लिख दो कि मंगलू भी कभी तेरे ब्याह की बात नहीं करेगा, और ना ही अपने। तू चुप रह। अच्छा और क्या लिखा है जी? हमें खुशी है
कि तुझे शेरनी का दूध पीने वाले चंद्रशेखर आजाद का साथ मिल गया है। तेरी माँ और चाची और बापू का प्यार, तेरा दार किशन सिंह। सुशीला दीदी। भगत। वंदे मातरम। वंदे मातरम भगत। मुझे याद किया किस लिए? हाँ? बात यह है, तुम्हें गांव वापस जाना ही पड़ेगा। पर क्यों, मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? भूल नहीं, ये देखो चिट्ठी। अरे ये तो दारजी की चिट्ठी है। तेरा दार किशन सिंह। दीदी ये तो दरअसल बेटों को वापस बुलाने का पुराना बहाना है। ये बहाना नहीं है भगत, ये सच है। पर दीदी मैं तो भारत माता की सेवा की सौगंध खा चुका हूँ। भगत अगर हम जन्म देने वाली माँ का दुख दूर नहीं कर सकते तो भारत माता का दुख दूर कैसे करेंगे? पर आजाद भैया, अब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जो हुक्म आजाद भैया, मैं तो तैयार ही हूँ, मैंने कौन से पहाड़ तोड़ने हैं। लो दवाई पी लो। मैंने कहा लो दवाई पी लो। माता जी मेरा भागो वाला, मेरा भागो वाला आ गया। माता जी भागो वाला। अच्छा अब तो दवाई पी लो। अब तो मेरी दवाई आ गई, मेरी दवाई आ गई। धार जी माता जी को क्या हुआ? तू खुद ही पूछ लेना। यूं ही मुझे जरा बुखार आ गया था, अब तो आ गया है ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। भागो वाले मैं तुझे ब्याह के लिए कहूंगी ही नहीं। पर माँ, जो मेरे भगत ने ब्याह नहीं कराया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? दार जी आप भी भगत से ब्याह की बात नहीं करना, लम्बड़दारनी को मैं खुद ही समझा लूंगी। दार जी चाचा का कुछ पता चला? अगर जो उसका पता चल जाता तो फिर चिट्ठी लिख के ना बुला लेती। भगत। चाची चाची पांव पड़ता हूं। जुग जुग जी हो, ले प्रसाद। बहन जी बधाई हो, भगत आ गया। तुझे भी बधाई हरनाम कौर, पर एक बात सुन ले मेरी, भगत से ब्याह के लिए कहना ही नहीं। ओ मैंने कहा जी, लो दूध पी लो। तेरा बेड़ा गरक डराई दिया। वाह भाई वाह, दूध। अरे मंगलू, अरे इतना दूध तो मेरे बड़े दादू मेरे कानों में डाला करते थे। ये ले, तू भी मेरे कान में डाल दे, जल्दी कर। ओ जी ये तो गरम है। ओ पगला कहीं का, समझा कर जा। आ भगत मैं तुझे लस्सी पिलाती हूं। चलो चाची। ले भगत बैठ, मैं लस्सी बनाती। अच्छा चाची। अरे भगत देखा बेटे का प्यार, उस डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं हुआ और तुझे देखते ही भली चंगी हो गई है। आ गया आ गया आ गया, बचाओ बचाओ। क्या हुआ? वो दारजी वो आ गया, वो ये लो मक्खन छुपा लो, वो मक्खन का दुश्मन, वो आ गया, वो बड़ी आंखों वाला, वो दुख देने वाला सुखदेव। अच्छा सुखदेव। सुखदेव क्यों नहीं आ सकता, पहरा लगा यहाँ। पाँव पड़ता हूँ दारजी, पैर पड़ता हूँ माता जी। रहो बेटा। कहो सुखदेव, सब खैरियत तो है ना? सब ठीक है, यूं ही मिलने चला आया था, कोई भूल की क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरा घर है तो तुम लोग आपस में गपशप करो और मैं खेतों का चक्कर मार के आता हूँ। दारजी हमें भी खेतों में जाना है। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? ठीक है तुम चल जाओ। भाई सुखदेव चल भाई, जरा ध्यान रखना कोई हरे भरे खेत को उजाड़ ना दे। हाँ भाई सुखदेव, अब बता कैसे आना हुआ? मैं एक नहीं दो कामों के लिए आया हूँ। क्या पहेलियां बुझा रहा है, जल्दी कहना। एक तो तुझे दुख भरी खबर सुनानी है कि क्रांति नेता श्री बिस्मिल को मौत की सजा दी गई है। सुखदेव, उनके दिल में जो सरफरोशी की तमन्ना थी वो पूरी हो गई। सुखदेव वाकई पूरी हो गई। भगत तुझे दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? हाँ, वहां देश की क्रांतिकारी पार्टियों की मीटिंग है। कब जाना है? कल। ये बहुत अच्छा हुआ, इस तरह हमारे एक होने से काम तेजी पकड़ लेगा। भागो वाले तुम्हारी बातें खत्म हुई कि नहीं? माता जी यहाँ? मैंने सोचा कि रोटी खाने का वक्त है, तुम्हें भूख भी लगी होगी।
माताजी को शक हो गया होगा कि कहीं हम खिसक न गए हों। मुझे शक होता तो मैं रोटी क्यों लाती? कितनी अच्छी है मेरी माँ, ला दे रोटी। आ भाई सुखदेव, रोटी खाते हैं। ये देख तेरा साग। मक्खन कहाँ है? हाँ भाई, मेरा तो काम हो गया। तुम रोटी खा चुकी माँ? तू भूखा तो मैं कैसे खाऊं? ले खा माँ। तू खा ना, मैं बाद में खा लूंगी। बेबे, सारी उम्र तू अपने हाथ से खिलाती रही है, माँ का कर्ज कभी चुकाया जा सकता है क्या? ले बेटा, तू भी रोटी खा। बेबे, मैं और सुखदेव कुछ दिनों के लिए लाहौर जाएंगे। लाहौर? हाँ बेबे, वहाँ कुछ दोस्त यार मिलना चाहते हैं। पर मैंने तो ब्याह की बात तक नहीं छेड़ी। भगत? हाँ चाची। भगत, हाँ? ये शॉल सूतर मंडी लाहौर में नंद किशोर के घर पहुँचा देना। लाहौर? हाँ हाँ, सूतर मंडी। हाँ, हाँ। सुखदेव, लाहौर में सूतर मंडी है। हाँ, लाहौर सूतर मंडी। हाँ। ला ये शॉल मुझे दे दे। क्यों बहन जी? सूतर मंडी लाहौर में है, दिल्ली में नहीं। ये दिल्ली जा रहे हैं। माँ भागो वाले, याद करके आके मिल जाया करना। जिस तरह तेरे पे सब कहा कहना, वैसा मेरा भी तो है ना। सबसे बढ़कर माँ। जा बेटा, जल्दी जल्दी जा, सारा भारत बुला रहा है तुझे। जा जीते रहो, लंबी उम्र पाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमार बांग्ला लोकेरा और स्वाधीनता सेनार कुर्बानी ते अंग्रेजों की जड़े हिला दी। हम जब दक्षिण भारत में अंग्रेजी चीजों का बायकॉट करके अंग्रेजी सरकार का बायकॉट के लाए। पंजाब ने जलियांवाला बाग के कुएं के लाशों से भर के यह साबित कर दिया है कि जब तक अंग्रेज के कदम यहां से नहीं जाएंगे, तब तक वो नित नई कुर्बानियां देता रहेगा। साथियों, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। इन खंडरों में सारा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है, पर कितनी बदकिस्मती की बात है, यहाँ हर सूबे का नौजवान अपने सूबे की तारीफ कर रहा है। बंगाल ने यह किया, गुजरात ने वो किया, और हमारे पंजाब ने ये किया, पर कोई ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान ने क्या किया। साथियों, ये ठीक है कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, पर हमारा लक्ष्य तो एक है, देश की आजादी। आओ मिलके कसम खाएं कि आज से हम एक हैं। हमारी एकता के सामने गोरों की गुलामी की जंजीरें टूट के चकनाचूर हो जाएंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, मैं एक सुझाव देता हूँ कि इस पार्टी का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाए, यानी के समाजवाद का शब्द बढ़ा दिया जाए। बात एक टू साफ तब बोलो। देश में छोटे बड़े का फर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम फूट के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई खोद दी है। इस फर्क को मिटा देना और इस गहरी खाई को भर देना ही समाजवाद है। जब तक देश में समाजवाद नहीं आएगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा यकीन है कि समाजवाद ही देश में इनकलाब ला सकता है, और इनकलाब ही कौम को जिंदगी दे सकता है। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, भगत सिंह ने इनकलाब का नया नारा देकर सचमुच इनकलाब हमारे आंखों के सामने खड़ा कर दिया है। नारे कौम को जगा जरूर देते हैं, पर सिर्फ नारों से आजादी नहीं मिलती। हमें आजादी लेने के लिए समंदर पार से आई सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। हमें बमों और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। बमों और हथियारों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा हम जनता से मांगेंगे। जनता डोर से हमारा मदद नहीं करेगा। करेगी, जरूर करेगी, पर हमें छुप छुप के काम करने के बजाय लोगों के सामने आना होगा। आखिर कोई प्रोग्राम? प्रोग्राम ये कि इससे अच्छा वक्त फिर नहीं आएगा। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि इस आजादी की लहर को दबाने के लिए बर्तानिया से अंग्रेज ने साइमन कमीशन को भेजा है। आओ हम सब मिलकर इस कमीशन का विरोध करें, जगह जगह जलसे और जुलूस निकालें, तो जनता अपने आप हमारे साथ हो जाएगी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, जिंदाबाद। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, जिंदाबाद। आजादी है अपना तन, वो बैक साइमन। आजादी है अपना तन, वो बैक साइमन। जोर से बोलो सारे जन, वो बैक साइमन। जोर से बोलो सारे जन, वो बैक साइमन। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है। Big Simon!
ये भी आराम उठा सकते थे घर में रह कर, पाला इनको भी था माँ बाप ने दुख सह सह कर। नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके। साथियों, मैं आज अपनी कसम फिर से दोहराता हूँ, लाला जी की मौत का बदला मैं लूंगा और जरूर लूंगा। नहीं नहीं, यह गलत है। राजगुरु, क्या कह रहे तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का तुला अकेला को कोई अधिकार नहीं। हम सब मिलकर उनके मौत का बदला लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत बालक शांत, सहज पके सो मीठा होए। कौन हो तुम? किसने अंदर आने दिया इस सन्यासी को? हमको हमको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम जिधर चाहें बेधड़क चाहें। ओह पंडित जी, कमाल है आपके भेष बदलने का। पिछले जन्म में जरूर बहरूपिया होंगे। पिछले जन्म में क्यों, इस जन्म में भी बहरूपिया हूँ। भगत सिंह, लाला जी की मौत का बदला सिर्फ कसमें खाकर नहीं लिया जा सकता। ये रखो, लाहौर का अनार कली पुलिस स्टेशन। ये सार्जेंट सैंडर्स है। तो क्या हुआ, इसने भी तो लाला जी पर लाठियां बरसाई थी। चलो। सुनो भगत की माँ। क्या हुआ? ये देखो, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। अच्छा, ये शुभ काम किसने किया? ये तो नहीं लिखा, पर इतना जरूर लिखा है कि साइमन पर गोली चलाते वक्त पुलिस ने देखे 4-5 लड़के जिनमें एक सरदार भी था। इस पर मुझे शक है कि हो ना हो ये कहीं भगत तो नहीं। आपको तो शक ही है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये शुभ काम मेरे भागो वाले ने ही किया है। सुना ना आपने, आपके भगत ने कितना बड़ा काम किया है। ईश्वर करे वो किसी के हाथ न लगे। What nonsense? Yes, sir. सरकार? Yes. ये देखा आपने? क्या है ये? सारे लाहौर की दीवारों पर ये पोस्टर लगे हुए हैं। हम बोलता है, क्या लिखा है इस पोस्टर में? साहब, इसमें लिखा है, साहब इसमें लिखा है कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है, अब सरकार की बारी है। What? अरे मेरे क्यों टायर पंक्चर कर रहे हो? करे वो दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछ वाला। अरे मेरे तो मुझे नहीं। ये कौन है? सरकार, यही वो साइकिल वाला है जिसने साइमन साहब के कातिलों को साइकिल दी थी। सुनिए, क्यों साहब के टायर में हवा भरते हो? माई बाप कॉलेज के स्टूडेंट्स को अगर साइकिल ना दे तो हमको ही पंक्चर कर देंगे। किधर रहते वो कॉलेज स्टूडेंट्स? मुझे पता नहीं साहब, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि गोल बाग के नजदीक एक हॉस्टल है, वही मेरी साइकिल जाती है। माई बाप मुझे कुछ पता। तुम उनको जानता? साहब मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं एक को ही जानता हूँ, उसका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह? साहब वो क्या सुर में है, क्या सुर में गाता है। आप भी सुने साहब, तो आपको भी ब्रेक लग जाए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। है? जयगोपाल यहाँ? क्या बात है? आजाद भैया, जयगोपाल कोई खबर लाया है। आजाद भैया, भगत सिंह। क्या बात है जयगोपाल? बोर्डिंग हाउस पे पुलिस ने छापा मारा। कौन कौन पकड़ा गया? अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने साइकिल वाले से पूछताछ की। उन्होंने सब स्टूडेंट को इकट्ठा कर लिया, उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे बीच गाने वाला कौन है।
मुझे तो ऐसा लगता है शायद भगत सिंह पे शक हो गया है। भगत सिंह पर सिर्फ शक ही हुआ? आजाद भैया, अब भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया है। वो मुझ पर छोड़ दो। ये लो सुखदेव। भाभी, ये क्या, सुहाग की चूड़ियां? अगर भारत माता के पैरों की बेड़ियां काटने के लिए मेरे सुहाग की चूड़ियां काम आ जाएं, तो समझो मैं धन्य हो गई। भाभी, तुम जाओ पैसे ले आओ। पर तुमने ये नहीं पूछा कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए। क्यों, पूछना कोई जरूरी है? पार्टी के एक साथी को कलकत्ते जाना है। ठीक है, उसके साथ आपको भी जाना होगा। साथी पिताजी से मुलाकात हो जाएगी। माफ करना भाभी, आपको उस साथी की घरवाली बन के जाना होगा। सुखदेव, सोच समझ कर बोला करो। भाभी, उसे शहर से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं। पुलिस ने लाहौर को चारों तरफ से घेर रखा है। कब जाना है? आज शाम को। आज शाम को? अच्छा, टिकट ले आओ। ठीक है। भगत जी, आओ मेरे साथ। जी, जल्दी करो बाबूजी। अरे सबर करो, दे रहा हूं। ये लो। हाँ, चलो आगे। क्यों, मिला वो भगत सिंह? अजी, वो तो हॉस्टल छोड़ गया। नो 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 नो, वो भाग नहीं सकता, वो इधर ही है। तुम सारे लाहौर को घेर लो, भगत सिंह जाने न पाए। एक सिख आदमी को पकड़ना बहुत इजी है, जाओ। जी। भगत सिंह? आओ भाई राजगुरु। आई लव भगत सिंह, तू तो पूरा अंग्रेज लग रहा है। अब तो अंग्रेज का फरिश्ते भी तुझे नहीं पहचान सकते। तुम बिल्कुल नौकर लग रहे हो, नौकर। काय नौकर, ये ले तेरे कपड़े फिर। अरे नहीं यार, तुम तो बिल्कुल राजा लगते हो, राजा। आजा। अच्छा मेरी बात सुन, लाहौर पार करने तक ही मैं नौकर रहूंगा, समझे? जैसी तेरी मर्जी। राजगुरु, वो देख। अरे भगत, ये तो दुर्गा भाभी नहीं लगती। शक्ल तो वही है मगर भाभी। कौन है तू? जी, हम पूछता तू मंदिर कैसे आया, किसको पूछ के आया? जी जी, व्हाट मैन, जी जी, क्या करता, हम पूछता उसका जवाब मांगते। जल्दी बोलो। जी वो दुर्गा भाभी। व्हाट दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी, व्हाट दुर्गा भाभी, कौन? मम्मी। ओ शक्ति बेटा। अरे भाभी, कमाल है, तुम तो बिल्कुल मेम लगती हो। हां, वैनी सेंट परसेंट लगती हो। हां राजगुरु, यानी भाभी पास हो गई ना? हां भाभी, तुम तो ऐसी पास हुई थी, हम फेल हो गए। अरे ज्यादा मत हंसो बंधु लोग, जल्दी करो, गाड़ी का वक्त हो गया है। और आप दोनों? हम दोनों तुमसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। चलो बापू। अच्छा, चलो बिट्टुआ। चलो बापू। आजाद भाई भी कमाल हैं। राजगुरु, जा तू तांगा लेकर आ। अभी लाया। भाभी, सामान कहाँ है? वो है ना सामने। अच्छा, रामलाल, सब ठीक है ना? फिक्र ना करो हुजूर, मेरी नजरों से कोई बचकर नहीं निकल सकता। ओ, चलो बापू। ओए कौन हो तुम? कौन है बिटुआ? कोतवाल साहब है बापू। नमस्कार। ये हमार बापू हैं, आखन से अंधे हैं, अंधा है, तीर्थयात्रा बदे जावत हैं। समझ गया, कलकत्ते की गाड़ी अभी आने वाली है, बैठ जा। अच्छा, अच्छा बापू, अब लपक लो। अच्छा बापू, बैठो बापू, बैठो बैठो बैठो। गाड़ी को बहुत बखत है। अच्छा, बको, क्या नाम है? ओ जी, मेरा नाम लाल सिंह है जी। क्या कहा? नहीं जी, मेरा नाम लाभ सिंह है जी। लाल सिंह है जी। कभी लाल सिंह तो कभी लाभ सिंह, तू चुप रहे बुढ़े। नाम तो इसका लाल सिंह है, लेकिन लाभ सिंह प्यार से बोलते हैं। ए सुखदेव के बच्चे, देखते क्यों हो? भूलो मत, तुम अंधे हो। आजाद भैया, डांटते क्यों हो? अंधा बनना है ना, लो बन गया। हाँ तो बन जल्दी। हे मिस्टर, इधर काय को भीड़ लगा है? कुछ नहीं साहब, पुलिस चेक कर रही है।
हैं इंस्पेक्टर, तुम क्या करता है इधर? माफ करना हुजूर, हम तो एक इंकलाबी को ढूंढ रहे हैं। इंकलाबी? आओ इंकलाबी। वो भगत सिंह, सिख नौजवान, उसकी तलाश है। ओहो भगत सिंह सिख नौजवान, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, पहचानो पहचानो पहचानो। डार्लिंग कम ऑन, ट्रेन इज वेटिंग फॉर अस। अरे बाबा का जूता गिर गया। धैर्य साहब। माफ कीजिएगा हुजूर, बाबा का बूट। आओ बाबा का बूट। थैंक यू इंस्पेक्टर। हे सर्वेंट, तुम ख्याल नहीं रखता बाबा का बूट का, चलो डार्लिंग चलो, कम ऑन। खाला आदमी, फर्स्ट क्लास इडियट, तुम कुछ काम के आदमी नहीं हो। इतने दिन हो गया भगत सिंह का पता नहीं लगा, हमको लगता है वो भाग गया, और तुम भी भाग जाओ। गेट आउट। वर्थलेस इडियट्स। अगर देश के किसान और मजदूर को बचाना है तो सेफ्टी बिल को पास होने से रोकना होगा। सारा देश इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, पर बिल पास होने से रोका कैसे जाए? इसका एक ही तरीका है, असेंबली में बिल पेश होते ही असेंबली को उड़ा दो। हाँ, ठीक हो। मैं समझता हूं हम जोश में भूल गए हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। दरअसल हम अपने देशवासियों को जगाना चाहते हैं और विलायती सरकार को अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। मगर कौन सुनता है वो आवाज? हमारे जैसे एक नौजवान इनकलाबी वेला ने फ्रांस में देश की आवाज असेंबली को सुनाई थी। उसने असेंबली में बम फेंक कर सबको चौकन्ना कर दिया था। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। पर वो एक ऐसा बम था जिसने बहरे कानों के भी पर्दे फाड़ दिए, पर मरा कोई नहीं। साथियों, हम भी एक ऐसा ही बम असेंबली में फेंके जो धुआं दे, धमाका करे, पर जान किसी की न ले। आखिर फायदा? फायदा फायदा यही कि अंग्रेज की नींद हराम हो जाएगी, वो समझ जाएगा कि अब हिंदुस्तान जाग उठा है, अब इसको ज्यादा दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। बम फेंकने वाला आदमी गिरफ्तारी देके अदालत में खड़ा होकर हिंदुस्तान की आवाज सारी दुनिया को सुना देगा। बस यही तो हम भी चाहते हैं। इस मकसद से मैं कलकत्ता से बम भी ले आया हूँ। पर बम फेंकने कौन जाएगा? ये बहस करने का वक्त नहीं है, पहले ये फैसला करो तुम लोगों को इसकी मंजूर है। हाँ, मंजूर है। अच्छा तो सुखदेव तुम जाओ और जयप्रकाश को कहो कि असेंबली के पास का बंदोबस्त करे। जी अच्छा। ये लो। पोस्टर्स कहाँ हैं? आजाद भैया के पास। अच्छा वो कहाँ हैं? वो तुम्हें अंदर मिलेंगे। ठीक है। बम?
आधा भर से। Dear members, the Public Safety Bill and the Trade Dispute Bill has not been passed by the Legislative Assembly. I convey to you the day has been proclaimed by decree. Inqilab Zindabad! 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 Public Safety Bill bandh karo! Inqilab Zindabad! बंद करो, पिस्तौल मत चलाओ, तुम्हारी हवलदार मारा जाएगा। पिस्तौल हमको दे दो। मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? भगत सिंह, यू ब्लडी ट्रेटर, आई सी यू। मैंने कहा जी, आपने कुछ सुना? मैं नहीं, क्या सारे देश ने सुना, उन कानों ने भी सुना जो बहरे थे बहरे। हे सच्चे पादशाह, मेरे भगत को बल देना, उसने बहुत बड़ा काम किया है। नेक्स्ट विटनेस। मी लॉर्ड, मेरा नेक्स्ट विटनेस है सर्जेंट टेरी। सर्जेंट टेरी हाजिर हो। सर्जेंट टेरी हाजिर हो। कसम खाइए, हम जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। सर्जेंट टेरी, आप हिंदी समझते हो? समझना क्या, हम बोलना भी सकता। ठीक है। अच्छा सर्जेंट टेरी, असेंबली में फेंके हुए बम के धमाके के बाद आपने क्या देखा? हम देखा मुलजिम भगत सिंह के हाथ में रिवॉल्वर थी। फिर हमने अपनी जान पर खेलकर उसको पकड़ लिया, वरना साहब मालूम है कितना जान जाने वाली थी। मुलजमान कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं। सर्जेंट टेरी, आप जा सकते हैं। कोई और गवाह? मेरा अगला गवाह है मिलॉर्ड, सिपाही हाकिम खान। सिपाही हाकिम खान हाजिर। सिपाही हाकिम खान हाजिर हो। कसम खाइए, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। हाकिम खान, आप इस वाकये के मुतालिक क्या जानते हो? मैं? हाँ जी। हाँ जी, मैं सब कुछ जानता हूँ हुजूर। क्या मतलब? मतलब बम का धमाका होते ही मैं असेंबली हॉल के अंदर गया। अच्छा। देखा कि भगत सिंह और दत्त दोनों के हाथ में पिस्तौल और दबादब गोलियां चला रहे थे। दन 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 दन। वो तो अच्छा हुआ हुजूर कि बम के धुएं से उनकी आंखें चुंधिया गई थी, कोई निशाना ठीक नहीं बैठा, नहीं तो नहीं तो पता नहीं कितनी जाने चली जाती। भगत सिंह, कुछ पूछना चाहते हो? मैं पूछता हूं, आखिर ये इंसाफ का ढोंग किस लिए? अदालत झूठी, गवाह गप्पी, हम इस जेल में लगी अदालत के सामने कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे सेशन कोर्ट में कहेंगे। ठीक है, मैं जेर दफा 3 ताजिरत हिंद ये केस सेशन कोर्ट के सुपुर्द करता हूं। मुलजिम अपना वकील जरूर कर लें। इंकलाब जिंदाबाद। मिस्टर टेरी, बम के धमाके के बाद जब आप असेंबली हॉल में पहुंचे तो आपने क्या देखा? हमने वहां देखा भगत सिंह को। क्या भगत सिंह खाली हाथ? जी नहीं, उसके हाथ में पिस्टल था और गोली से एकदम फुल। पर भगत सिंह का इरादा बुरा नहीं था। आप क्या बात करता है, उसके आंख में से खून झलक रहा था। ही इज अ डेंजरस मैन, खतरनाक। खतरनाक? यस, अगर हम उसको नहीं पकड़ता मालूम नहीं कितना जान गया होता। मगर पिस्तौल तो भगत सिंह ने आपको खुद दिया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। हम उसका पिस्तौल छीना। सर्जेंट टेरी, आप झूठ बोल रहे हैं। हम सच बोलता। मिस्टर टेरी, खुद आपने कहा है कि भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल था और आंखों में खून। यस, आई सेड इट। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इतने खतरनाक आदमी ने आपको भरा हुआ पिस्तौल किस तरह दे दिया? सबसे पहले आपकी जान क्यों नहीं ली?
हमारा जान, हमारा जान। हाँ बोलो। हम उसका हाथ से पिस्तौल छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया पिस्तौल उसके हाथ से हमने, छीन लिया हमने पिस्तौल उसके हाथ से। ऑर्डर ऑर्डर। यस यस, हमने पिस्तौल छीन लिया उसके हाथ से। मिस्टर आसिफ अली प्रोसीड। हाँ मिस्टर हाकिम खान। जी हुजूर। जब बम का धमाका हुआ आप कहाँ थे? जी मैं ड्यूटी पे था, असेंबली के दरवाजे के बाहर। फिर बम के धमाके के साथ पिस्तौल के चलने की आवाज आई। बम की धमाके की आवाज ऊंची थी कि पिस्तौल की? जी जी पिस्तौल की आवाज ऊंची थी। सत्यानाश। तो पिस्तौल की आवाज सुन के तुम वहां से खिसक गए? क्या कहते हो हुजूर, मैं दो गोलियों की आवाज सुन के असेंबली हॉल के अंदर गया। अच्छा। देखा कि भगत सिंह के हाथ में पिस्तौल थी और वो दोनों हाथों से दबादब गोलियां चला रहा था। हाकिम खान, पिस्तौल एक थी, गोली चला रहा था दोनों हाथों से? जी जी जी, कभी इस हाथ से चला रहा था, कभी उस हाथ से चला रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। हाकिम खान, कितनी गोलियां चलाई उसने? कितनी कितनी कहनी है? सरकारी वकील की तरफ क्या देखते हो, मेरी ओर देख के बात करो। जी जी, उसने 7-8 गोलियां तो चलाई थी। सरकारी वाला नोट कर लिया आपने? मिस्टर टेरी कहते हैं कि जब उन्होंने पिस्तौल छीना तो भरा हुआ था। हाकिम खान कह रहा है कि भगत सिंह ने 7-8 गोलियां चलाई। झूठ बोलने वाले गवाह का चेहरा देखे हुजूर, जिस पर झूठ की मनुष्यता झलक रही है। ये सरकारी झूठे गवाह ही साबित करते हैं कि ना सिर्फ केस झूठा है, हुकूमत भी झूठी है। मिलॉर्ड, साफ जाहिर हो रहा है कि अंग्रेजी सरकार के पैर उखड़ गए हैं। झूठे गवाहों का सहारा लेकर ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन सच कभी नहीं दबता। अंग्रेज को अब हिंदुस्तान छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। मिलॉर्ड, मुल्ज़िमान अपना बयान दें। आज तक इस मुजरिमों के कटहरे में खड़े होकर हर कोई यही कहता है कि वो मुजरिम नहीं है, पर हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम मुजरिम हैं। हमने असेंबली में बम फेंका, पर हम लोगों से कोई ये तो पूछे कि हमने असेंबली में बम क्यों फेंका, क्या वजह थी? इस सच को पूछने की हिम्मत आप में नहीं है, पर मुझ में है। अंग्रेजों की गुलामी से तंग आके देश के बीच आजादी की लहर जोर पकड़ चुकी थी और जनता की आवाज उभर रही थी। समंदर पार बैठे गोरे ने उस आवाज को दबाने के लिए सेफ्टी एक्ट जैसा काला बिल पेश किया। ऑर्डर ऑर्डर। लोगों की आवाज को पैरों तले रौंद के वो बिल असेंबली में पेश होने आया, तो ऐसे में कोई और राह नहीं थी। हमने असेंबली में बम फेंका, और हमें कोई ये बताए कि उस बम ने कितनी जाने ली? एक भी नहीं, क्योंकि वो एक असली बम नहीं था, उसमें बारूद नहीं था, बल्कि लोगों की भावनाओं का धुआं और धमाका भरा हुआ था। बाकी रही बात पिस्तौल चलाने की, उस बारे में मोहतरम आसिफ अली ने मुकदमे की पोल खोल ही दी है। किसी आदमी को मिशन या इरादे के मुताबिक सजा या इनाम मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी किसी के साथ दुश्मनी करके उसको कत्ल कर देता है तो उसको फांसी की सजा होती है, लेकिन एक फौजी नौजवान देश की रक्षा करते हुए 100 आदमियों को भी मार दे तो उसको इनाम मिलता है। इस हिसाब से हम सजा नहीं इनाम के हकदार हैं। भगत सिंह, तुम इनकलाब इनकलाब बहुत चिल्लाते हो, पर इनकलाब का मतलब भी जानते हो? इनकलाब का मतलब उस किसान से पूछिए जो अपने खून पसीने से अनाज पैदा करता है और उसका परिवार भूखा मरता है। इनकलाब का मतलब उस जुलाहे से पूछिए जो रात दिन भूखा प्यासा कपड़ा बुनता है और उसकी लाश 2 गज कफन को तरसती नंगी पड़ी रहती है। इस अन्याय और जुल्म को बदलने का नाम इनकलाब है वकील साहब। फ्रेंड्स,
फैसला 12 जून 1929 को सुनाया जाएगा। मुजरिमान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी जाती है। अगर इस मिशन में कामयाब हो गए तो बात बन जाएगी। हाँ, खिड़की खुली। यशपाल जी, खिड़की बंद करो। पुलिस पुलिस, तुम दोनों पीछे के रास्ते से भाग जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा। जाओ जाओ तुम दोनों। धुएं के बीच बैठकर रोऊं, याद कर सजनी को। आगे धुएं के बीच बैठकर रोऊं, याद कर सजनी को। ओ धनीराम, आओ आओ वाड़े साहब आओ। क्या बात है, आज बहुत गाने गा रहे हो। महाराज, हम तो गाते हुए पैदा हुए थे। पर इस धुएं से अपनी आंखों को बचाया कर। ओ छत्र सिंह जी, धुएं की कंपनी से खुद ही टेढ़ी और तिरछी हो गई है। लो जी सब्जी चखो जी, देखो नमक डाला है कि नहीं। वाह भाई वाह, सब्जी तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। धनीराम, इस जेल ने तुझे अच्छा बावर्ची बना दिया है। आज ये जेल क्या करेगी। ओ महाराज, जेल आने से पहले ही मैं बावर्ची था। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी तो स्वागरात ही रोटियां पकाने से शुरू हुई थी। वो किस तरह? कुछ ऐसा मुहूर्त हो गया कि सारी जिंदगी रोटियां ही पकाते रहे, और भगवान ने जो लुगाई दी उसने भी हमसे रोटियां पकवाई, और साथ ही शरीर पर उसने चिमटा खड़गाया। ठा ठा। अच्छा, वाह धनीराम वाह, अच्छा मुहूर्त हुआ तेरी सुहागरात का। और कुछ ना पूछो वार्डन साहब, वो तो जरा शरीर तगड़ा था तो हम मार भी खाते रहे और रोटियां भी पकाते रहे। आखिर एक दिन अपनी दाल में भी उबाल आ गया, और फिर पकड़ा बेलन, लिटाया जमीन पर सीधा लंबा, और उसको बेलना शुरू किया। वो बेला वो बेला वो बेला कि उसे बेल कर रख दिया, यानी कि पहुंचा दिया ऊपर, और हम आ गए आपके पास नीचे। इनकलाब 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत, सुखदेव, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाबी भगत सिंह का एक और साथी आया है, सुखदेव, ये उसका स्वागत हो रहा है। मैंने कहा वार्डन साहब, मेरा एक भाई मणिराम, वो भी कॉमरेड है, और उसकी भी आंखें मेरी तरह भेंगी हैं, कहीं वो तो नहीं आ गया। नहीं 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 नहीं, वो नहीं आया है, वो तो सुना है अंडरग्राउंड हो गया है। अच्छा जी, एक बात है, जिस दिन से बच्चे आए हैं यहाँ रौनक आ गई है, नहीं तो पहले दिल ही नहीं लगता था। धनी राम, एक तीर से दो शिकार करेंगे, नौकरी करेंगे सरकार की और सेवा करेंगे इन देशभक्तों की। ठीक है, आप इनको बिठाओ, मैं रोटी लेके आता हूँ। जल्दी आना। आ गया जी। ओ भाई सज्जनो, सतनाम जपो और रोटी खाओ, हो जाओ शुरू। ओए धनीराम,
क्या तू तो अपने खाने की बहुत तारीफ किया करता था, तो क्या खाना तुझे खाने को दौड़ रहा है? इसको खाना कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अरे सब्जी में आधी से ज्यादा तो रेत है। ओ, रेत तो सरकार ने तुम लोगों को तगड़ा करने के लिए मिलाई है। वार्डन साहब, हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, हमसे ये पत्थर मिट्टी नहीं खाई जाती। अरे भोले बादशाह, तुम्हें पता है अंग्रेज यहाँ से सोना चांदी सब कुछ ले गए, अब यहाँ तुम्हें खिलाने के लिए मिट्टी पत्थर बस यही रह गया। राम, ये बात मजाक में उड़ाने वाली नहीं है। भगत सिंह, इस बारे में कागजात ऊपर भेजे जा चुके हैं। पर इस तरह का गंदा खाना ज्यादा दिन नहीं खा सकते। पर आज जयगोपाल रोटी खाने नहीं आया। सुना है उसको टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर? मैं बोलने को तैयार हूँ। कोर्ट में जाकर भी बोलेगा ना? बोलूंगा। गुड बॉय। हैरी, इसको खोलो और मटन चपाती खिलाओ। नहीं 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 नहीं। अच्छा, खेचो। हेलो, हाय, खोल दे इसको। सुखदेव, मैन टू इंटेलिजेंट, हमारा बात काय को नहीं मानता। मैं गवाह नहीं बनूंगा। भगत सिंह जैसा आदमी हमारा साथी हो गया, तुम काय को नहीं मानता? भगत सिंह? नहीं नहीं, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, पर भगत सिंह नहीं। ए देखो, तुम्हारा पहाड़ हिल गया ना। जीता रहे, लंबी उम्र पाओ बेटा। हाँ हाँ जयगोपाल, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ कह दे, सच सच कह दे। मैंने कहा ना, सैंडरसन पर पहली गोली राजगुरु ने मारी, दूसरी भगत सिंह ने, पुलिस को आजाद ने खत्म किया। बेशरम! ऑर्डर ऑर्डर। लड़के, अदालत की तौहीन का तुम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जितने केस चल सकते हैं चलाओ, सारी कसर निकाल लो। इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। मी लॉर्ड, इनके सब बल निकल जाएंगे। मैं एक और गवाह पेश करता हूँ जो इन्हीं का साथी है। सुखदेव? सुखदेव? भगत सिंह? भगत सिंह को मुजरिमों के कटहरे में क्यों खड़ा किया गया है? देखिए, वो मुजरिम है। मुजरिम? पर मुझसे तो कहा गया था कि भगत सिंह वादा मुआफ गवाह बन गया है। हाँ सुखदेव, ये चाल इन्होंने मेरे साथ भी चली थी, पर मैं इन्हें अच्छी तरह जान गया हूँ। इन्होंने मुझे भी कहा था कि सुखदेव एक सरकारी गवाह बन गया है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। हे मैन, काय को हमको भी परेशान करते है और अपना जवानी बर्बाद करता है तुम। जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलो ना तुम। मारो इसको। इनकलाब। मार मार के चमड़ी उड़ा दो। इनकलाब। मारो इसको। जिंदाबाद। मारो इसको। इनकलाब जिंदाबाद। तुम ऐसा नहीं मानेगा, कुछ दूसरा इलाज सोचना मांगता। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? मेरा जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। लेटा दो इसको। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। बहन जी, बहन जी, होश में आइए, बहन जी होश में आइए, उठिए। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। हर नाम मेरा भागा वाला मुझे बुला रहा है। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला। आओ साहब, क्या हाल है? क्या ब्रेन ठीक हुआ तुम्हारा? आप मेरी फिक्र मत करो साहब, अपना दिमाग ठीक करो। शट अप साहब बहादुर। व्हाट? सुनिए, भगत सिंह की माँ आई है। मदर? ओके, हम जाता, तुम इसको लेकर आओ। राइट सर। मामी, मामी नमस्ते। नमस्ते जी। तेरा बेटा, मेरा भगत कहाँ है? भगत अंदर आराम करता होता, अभी आना मांगता। इधर आप बैठो, मामी इधर आराम से बैठो। मामी आप बहुत अच्छा माता है, आप अपना भगत सिंह को समझाओ, वो फालतू में जवानी वेस्ट करता होता। बच्चा है सरकार। आप समझता है, वो बच्चा का भी बच्चा है, आपको समझाना मांगता है। आप फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगी। मेरा कहा नहीं टालेगा। ओह मामी यू आर ग्रेट, हम आपको भी इनाम दिलाएगा। जीते रहो बेटा, लव यू ब्रो। ठीक है ना? बड़ा अच्छा सलूक करते हैं ये लोग बेबे, किसी किस्म की तकलीफ नहीं, दिन में दो दो बार मालिश करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। माता जी तुम इसको समझाना मांगता, ये हमारा बात नहीं सुनना मांगता। ना भगत, ये बड़े अच्छे लोग हैं, तू जरूर इनकी बात सुन। बेबे ज्ञानी कहते हैं, सुनिए सबकी, करिए मन की। गोरे तुम्हारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो इनकी चाल में मत आना। अभी तो तुझे उम्र कैद की सजा हुई है, इससे बड़ी भी सजा होगी तो घबराना नहीं बेटा। बढ़िया करे, हे ले जाओ इसको। मेरे लाल, देश पर एक बार मरना 100 जन्म लेने के बराबर होता है। बंद करो ये बकवास। अच्छी तरह समझा तो लेने दीजिए। अब जाओ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ले जाओ इसको, जाओ। भागो वाले, इतना हमेशा याद रखना कि शूरवीर वही होता है जो अपने देश के लिए प्राण दे दे। चलो माँ जी। वाह क्या बलिदान है, तू सचमुच भगत सिंह की माँ है। चलो सज्जनों, सतनाम जपो, रोटी खाओ। आज तुम सारी रोटियां मीठी लाए और साथ में लाए इमरती। क्या बोकते हो? क्या ये रोटी मीठी है? ये तो सब फीकी है, और ये इमरती नहीं है, ये कोड़ी है कोड़ी। बाबूजी, मेरा ख्याल आप पहले जेल नहीं गए। हम जेल में रात की बासी रोटी को मीठी बोलते हैं और बासी कड़ी को कहते हैं इमरती, समझे कुछ? भगत सिंह कहाँ है? वो भी आ जाएगा, तुम तो खाओ। नहीं खानी हमें ये रोटियाँ, रात की बासी रोटियां और आटे में आधे से ज्यादा मिट्टी। ओ भगत सिंह जी, मिट्टी तो आपके लिए विलायत से आई है। नहीं राम, बको मत, इसको क्यों डांटते हैं? हमें नहीं खानी ये रोटियां, हमारे लिए कोई अच्छा प्रबंध करो, छोड़ दो ये रोटी। हाँ, नहीं खानी ये रोटी, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। आई नो भगत सिंह, तुम सबको भड़का रहे हो। हाँ हाँ भड़काता हूँ, आओ आप खाओ ना ये खाना हमारे साथ बैठ के। क्या कह रहे हो तुम? ये रोटी मैं खाऊंगा? मैं कोई कैदी हूँ क्या? क्यों, कैदी मनुष्य नहीं होते? ये कहो कि ये रोटी आदमियों के खाने वाली नहीं है। आदमी वो देखो, ये रोटी आदमी ही खा रहा है। आदमी?
उसको आपने आदमी रहने का दिया है। आपकी ये जेलें मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। आप अफसरों को खबर करो, जब तक जेल के खाने का प्रबंध ठीक नहीं होगा हम भूख हड़ताल करेंगे। आओ साथियों। खुद को अंग्रेज समझ बैठा। Go to hell. Move on. अरे घोड़े पे बस नहीं चला तो गधे पे। भूख हड़ताल करेंगे, देख लूंगा। दो दिन की भूख तो बड़ों बड़ों को सीधा कर देती है। जिसको देखो गुस्सा निकालने के लिए मैं ही मिलता हूँ। घर जा दनिया। कैर सिंह जी, कभी तो कैर सिंह की जगह खैर सिंह बना करो। पहले दे 10 रोटियां। और रोटियां तो मिल जाएगी, गला तो छोड़ो। ये लो, गरम गरम रोटियां लाया है। और रोटियां तो परेशानी की जड़ है खैर सिंह। उन लड़कों ने अपनी जिद पूरी कर ली है। धनीराम, ये कैसा राज है? कौन सा भाई? लड़के पढ़े लिखे लगते हैं, कितने डाके मारे इन्होंने? इन्होंने डाके नहीं मारे। तो फिर छोरियां छेड़ी होंगी। आजकल के छोरों को ये बुरी आदत है। ये छोरे छोरियों को छेड़ने वाले लगते हैं? वो लगते तो नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था। ओ ठहर। धनीराम, तूने यार अच्छी रोटियां खिलाई। आ तुझे जोर करवाऊं, इससे तेरी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। कैर सिंह, मुझे आंखें सीधी नहीं करानी। आंखें सीधी कराते कराते हाथ पे टेढ़े करा लूं ना, मुझे मंजूर नहीं भाई। तू यूं ही क्यों डर रहा है? ला एक रोटी और दे जा। हाँ ले ले भाई, रोटी ले ले। चल जा। माताजी खाना। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं खाना। खा लो ना माताजी। तूने खाया? आप भूखी रहे और मैं खा लूं? भगत सिंह। आओ भाई चेतर सिंह। उन बेईमानों ने तेरे साथियों को दूध पिला दिया। दूध पिला दिया? किसने पिया दूध? पिया नहीं, जेलर ने जबरदस्ती उन्हें पिलाना चाहा, पर उन्होंने उल्टी कर दी। उल्टी कर दी? जेल में दिन रात मीटिंग्स चल रही हैं। अंग्रेज ने आपको गिराने की हर चाल चली है। पता नहीं किस वक्त पासा पलट जाए। क्या कह रहे हो चेतर सिंह? भगत सिंह, मैं पंजाब का सिपाही हूं। मैंने देश की रक्षा के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, पर भूख इंसान को हिमालय की चोटी से भी नीचे गिरा सकती है। हम हिमालय पर नहीं, आजादी की कगार पर खड़े हैं, और कोई चाल इन बढ़ते कदमों को पीछे नहीं मोड़ सकती। चतर सिंह, मैं तेरे बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोच रहा हूं। वो तो मुझसे भी आगे हैं। चतर सिंह, चाहे ये पेट भूखे हैं, पर रूहें हरगिज भी नहीं। सुननी है इन रूहों की आवाज, ये सात समुद्रों को पार कर जाएगी। सुनो, इनकलाब, 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 जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आओ चतर सिंह, ये लौंडे सारे पागल हैं। और तेरे जैसे बंदे तो यही समझते हैं। तो करने के आए हैं? साली रोटियां नहीं खानी तो? और रोटियां तो कहर सिंह कुत्ते भी खाते हैं। ये तो ठीक कहा। ये भारत माता को आजाद कराने के लिए आए हैं। भारत माता? वो भगत सिंह इनकलाबी की माँ है? ओ नहीं होए, वो तो सभी की माँ है। मेरी भी माँ है और तेरी भी माँ है। ओए क्यों झूठ बोल रहा है? मेरी माँ को मरे तो 10 साल हो गए। ओए तो मूर्ख है, तुझे रोटियां तोड़ने के सिवाय और कुछ नहीं आता। चतर सिंह, कौन से बैरक में बंद है वो माँ? ओ तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। मेरा बापू भी यही कहता था। अरे पगले, अपना देश है ना भारत, ओए हिंदुस्तान। हाँ हाँ हिंदुस्तान, वही हमारी माँ है। अब ये बता, तू मूर्ख है या मैं? क्या मतलब? भला देश माँ होता है या बाप? अकल के अंधे, देश माता पिता दोनों ही होता है। ओ सुना नहीं, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही बंधु, तू ही भ्राता। ओ चतर सिंह, ये माता पिता बंधु भ्राता, तूने मुझे और पशु पेश में फंसा दिया। आज रात फिर नींद नहीं आएगी। छोड़ यार इन झगड़ों को, आचल जोर करे। ओए मरना है तेरे साथ जोर करके,
तू बैठ जा यहाँ और रोटियों से जोर कर। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, बैठ जा। डरे जा रहा है, जोर कर ले। आओ हेल, अब तो सारा हिंदुस्तान में शोर मच गया। साहब बहादुर, वो जिद नहीं छोड़ेंगे। जो 40 दिन भूखे रह सकते हैं वो 100 दिन भी रह लेंगे। ओ मैन, तुम उनका तारीफ करता है, हम सोचता है ये हर दल कैसा दौड़ ना सकता है। उन लोगों के एक बंगाली साथी बहुत सीरियस है। साहब उसकी हालत बहुत खराब है, पानी पी पी कर कितने दिन जिएगा। आओ मरने दो उसको, ये हड़ताल कैसा भी तोड़ना मांगता है। जेलर साहब। इसमें कोई गहरी चाल है। सुखदेव, क्या है जतिंदर? जरा पानी पिला तो। अब पानी अब, ये लो, पी लो पानी। हाँ जतिंदर, अब आप सो जाओ। सोना अब तो। हाँ सुना है, अकुन तो शुए पड़बो आर की वालो। रात गई और बात गई, रात गई, आज जो होगा दुनिया समझेगी भी नहीं। कैर सिंह, ओ ले भाई छोले। ओ गुड़ भी ला रे। आ गुड़ भी ले भाई। ओ कहाँ मर गया था भेंगे, तुझे पता नहीं कि शेर भूखा बैठा है। तू अपनी चिंता करता है। अरे मैं तो सारे कैदियों को गुड़ छोले बांटते हुए आ रहा हूँ। कैदियों को? ओ धनीराम, उन इनकलाबियों ने छोले खाए कि नहीं? नहीं। तो उनमें से कितने मरे बोल? आज तक तो कोई नहीं मरा भाई। भाई हद हो गई, 40 दिनों के भूखे हैं फिर भी कोई नहीं मरा। हम तो एक टाइम ना खाएं तो भूखे मर जाएं। ओ धनीराम, वो चोरी छिपे तो खाते होंगे। अरे नहीं पागल, ये देश सेवा का बल है जिसके सारे वो जीवित हैं। देश सेवा का बल? भाई मेरे पल्ले तो साला कुछ नहीं पड़ा। अगर ये किस्सा तेरी समझ में आ जाता तो तू डाके मार के जेल में नहीं आता, बल्कि इस जेल की बजाय उनके साथ में होता और कोई लीडर बन गया होता। देखो धनीराम के बच्चे, तू कोई और गाली दे दे पर ये मत बोलना वो लीडर बने मेरे दुश्मन। क्या मतलब? ओ मतलब मुझे नहीं पता, पर बापू कहा करता था बेटा, और भले कुछ भी बन जाना पर लीडर ना बनना। ओ तू सुधरने वाला नहीं। ओ तेरे खनकते गहने किधर गए? ओ कौन से खनकते गहने? ओ बेड़िया। ओ बेड़िया उन्होंने निकाल दी, कहते हैं अब तू अच्छा बंदा बन गया है। वाह भाई वाह, तू अच्छे बने रहना। आ इस खुशी में जोर करा दूं, तेरे जोड़ भी खुल जाएंगे। अरे मेरे जोड़ तो जुड़े रहने दे, नहीं तो जेल वाले कैदी भूखे मर जाएंगे। अच्छा जा फिर, पका रोटियां और बांट छोले। गुड़ छोले खाने को मिल गए घोड़े सी ताकत आज गिगी। पानी पानी। दादा दादा पानी लो, दादा लो, ये लो ये। पानी लो पानी। हाँ। हाँ। ये तो हाँ। दूध है। अमी 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 दूध खा बना। वो लोग हमारा हड़ताल तोड़ना चाहता है। नहीं हाँ। मैं नहीं। दूध। हाँ। पानी। दादा घबराओ मत। पानी पानी दादा। पानी दादा। हाँ हाँ दादा, हाँ, अभी आएगा पानी। जतिंदर सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादा, दादा ये लो पानी। हाँ। बाहर निकलाओ। Oh,
दादा। चतर सिंह, ये सरफरोशी क्या होती है? सरफरोशी? हाँ,
ये देश पर न्यौछावर होने को सरफरोशी कहते हैं। देश पर निछावर? पर कुछ भी हो, कमाल के हैं ये लड़के तो। हम तो आधे पेट हो तो एक बोल नहीं बोल सकते, ये भूखे ही गाए जा रहे हैं। देख ले फिर। सुन चतर सिंह, ये ना गाते गाते भूखे ही मर जाएंगे। जब भी बोलेगा छप्पर फाड़ के बोलेगा। वो मैंने क्या गोली मार दी तुझे? अब तो इनको रब ही बचा सकता है। रब? रब ये नई समस्या पैदा कर गया। तुझे तो पता ही होगा मैंने तुझे कभी याद नहीं किया, और ना ही मुझे पता है कि कैसे याद करते हैं। मंदिर वाले घंटे घंटियां बजाते हैं, गुरुद्वारे वाले ढोलकियां, पर यारों के पास तो कुछ नहीं। दुखी तो तुझे आज भी नहीं करना था, पर ये जो इनकलाबी आके फंस गए हैं ना बेचारे, पहले तो मैं इनकी हिम्मत पर हंसा करता था, पर अब एक एक करके मरने लगे हैं। अगर तू है तो इन बेचारों को बचा ले, नहीं तो तू अपना जोर किए जा, हम अपना किए जाते हैं। ले आज इन बच्चों की खातिर अपना मस्तक झुकाता हूं। ये 16, 17, 18, 19 और 20। ओ 20 के बच्चे, 5 और दे। ओ 5 क्यों भाई, तू 10 ले, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। ओ धनीराम, उन बच्चों का क्या हाल है? ओ तुझे बच्चों से क्या लेना देना, तू रोटियां खा, अनाज के दुश्मन। दिन आ पहुंचा आजादी का, हाल बुरा है दुश्मन का। दिन आ पहुंचा। धनीराम इसको क्या हुआ, ये किस अखाड़े में जोर करके आया है? ओ कहर सिंह क्या हाल है? ओ अपना तो सदा ही अच्छा हाल है, ना सावन सूखे ना साड़ हरे, पर तू क्यों खुश हो रहा है? उधर लड़के मर रहे हैं और तू गुनगुनाए जा रहा है। अरे बात ही गुनगुनाने वाली है, अब ये सारे बच जाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि सरकार ने इन लोगों की मांगे मान ली हैं, अब ये भूख हड़ताल छोड़ देंगे। सरकार इनके सामने झुक गई है। झुक गई है? सच्चे बादशाह तू है, हे वाहेगुरु तू है। ओ कहर सिंह तुझे क्या हुआ? चतर सिंह रब है, जिंदगी में पहली बार ईश्वर की आराधना की थी, उसने मेरी सुन ली, इस पापी की सुन ली, रब है धनी राम, रब है। ओ जरूर है, जरूर है। ओ पर मुझे तो पछतावा इस चीज का है कि भगत सिंह मुझे मिला ही जेल में, घर कहीं बाहर मिल जाता तो मैं उसके साथ हो लेता। मारने तो मेरे भाग्य में आदमी ही थे, पर फिर मैं अंग्रेज मारता। फिर भी सोचता हूँ या तो लग गई फांसी तो अगले जन्म में यह कसर पूरी कर लूंगा, और अगर हो गया बरी तो इसी जन्म में देश के दुश्मनों को पकड़ के वो जोर करवाऊंगा, वो जोर करवाऊंगा कि मैं अंग्रेज नहीं, मैं धनी राम। ओ मैं तो कहीं और ही चला गया था यार। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मिलाद, इस इंकलाब का नाम लेकर आज जो कुछ हो रहा है उसे हर शख्स की आंख ने पहचान लिया है। इंकलाब जिंदाबाद के वक्त जोश ने आज के नौजवानों को गुमराह कर दिया है। इस नारे की आड़ लेकर लूटमार और डाका जनी का बाजार गर्म है। एक नेक नियत पुलिस ऑफिसर को सरेराहा गोली से उड़ा दिया गया। मिलाद, साफ जाहिर है यह कत्लो गारतगिरी शाहे बर्तानिया जॉर्ज पंजम के खिलाफ खुली बगावत है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा के मुलजिमान को सजाए मौत दी जाए, ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल कर सके। धन्यवाद, अगर आप ऐसे फैसले करेंगे तो देश जल्दी आजाद हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लगा दो इनको हथकड़ियां। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये सरासर ज्यादती है। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर इसे न रोका गया तो मैं अदालत से उठ के चला जाऊंगा। जिंदाबाद।
यह अदालत है, पुलिस स्टेशन नहीं। अगर यहाँ इनके साथ ऐसी ही ज्यादतियां होती रहीं, तो फिर ये यहाँ आने से इनकार भी कर सकते हैं। It's too much now. आज तो कोर्ट में भी डिस्ग्रेस हो गया। वो तीर की तरह सीधा हो जाएंगे साहब महादेव, उनकी पिटाई हो रही है। होना ही चाहिए। ये क्या हो रहा है? अरे कहर सिंह छोड़ दो इनको, इन बेचारों का क्या कसूर है? ये तो भाड़े के टट्टू हैं। ओ बच्चे, तू तो बहुत ही रहम दिल है। ओ मैंने आज थाने में सभी पे जोर करवा देना था, चल तेरे कहने पे छोड़ दिया। जाओ ए खबरदार, जो फिर ये गलती की। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। खबर मिली है आज जेल में उन लोगों को बहुत मारा, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। बस करो। अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। क्या हुआ आजाद भैया? अब उन्हें छुड़ाना ही पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम आज बम तैयार करो, वो कल आजाद हो जाएंगे। बम तो तैयार है, पर टेस्ट करना बाकी है। तो चलो मेरे साथ, आज ही बम टेस्ट कर लेते हैं। दुर्गा जरा वो थैला लाओ। अभी लाई। ये लो। चलो मेरे साथ। चलो। hey, तुम लोग तैयार हो जाओ, आज कोर्ट का फैसले का दिन है। किसी अदालत में नहीं जाएंगे हम। हरगिज नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? मैं नहीं जाएगा तो फैसला कैसा होगा? तुमको इंसाफ कैसा मिलेगा? इंसाफ? तुम क्या इंसाफ करोगे? हादसा ब्लैक होल में 150 आदमियों के दम घोटकर मार दिया था, इंसाफ किया था? जलियांवाला बाग में निहत्तों को भूनकर इंसाफ किया था? जाओ जाके कह दो, हम उस अदालत में नहीं जाएंगे जहां इंसाफ नहीं, इंसाफ का गला घोटा जाता है। Idiots. कोई नहीं है, जाओ। Thank you.
भैया? आजाद भैया आप बोलते क्यों नहीं? आखिर है क्या? भाभी, तुम देवी हो, तुम देवी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवती चरण, तू हमसे आगे निकल गया। वो तो चला गया भगत, हमें छुड़ाने का जतन करते करते खुद आजाद हो गया। ये है वो अदालत, दुनिया की सबसे अंधी, बहरी और गूंगी अदालत, जिसमें मुलजिमों ने आने से इनकार कर दिया है। कोई सफाई का गवाह नहीं, कोई सफाई का वकील नहीं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब कठपुतलियां हैं। फैसला इनके पास सात समंदर पार से आया है। मुजरिमान राजगुरु, मुजरिमान राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, तुम लोग अदालत नहीं गए, इस वजह से अदालत ने फैसला यहां भेजा है। शुक्रिया। लाओ। ट्राइब्यूनल का फैसला सुनो। मुजरिम राजगुरु, तुम्हें जेरी दफा तीन से दो ताजिरत हिंद सजाए मौत दी जाती है। शुक्रिया। मुजरिम सुखदेव, तुम्हें जेरी दफा 139 बटा 120 ताजिरत हिंद सजाए मौत दी जाती है। वंदे मातरम। मुजरिम भगत सिंह, तुम्हें जेरी दफा 121 बटा 302 2B ताजिरत हिंद सजाए मौत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अकबर खान, इन तीनों मुजरिमों को अलग अलग कोठरी में बंद कर दो। चलो, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद। आज कहर सिंह को फांसी होना मांगता yes, है। साहब बहादुर, कहर सिंह नहा चुका है। वेरी गुड। कोई लास्ट विश बोला है? आई मीन आखिरी ख्वाहिश बोला कोई? जी हाँ, वो भगत सिंह से मिलना चाहता है। भगत सिंह, ओके, मिलने दो उसे। जाओ। आओ भाई पहलवान, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। ओ, इसीलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि वहाँ ऊपर अपनी मुलाकात नहीं होगी। चतर सिंह कहता था कि भगत सिंह तो स्वर्ग में जाएगा ही, और कहर सिंह साले ने तो नर्क की टिकट मंगवा रखी है। स्वर्ग नर्क सब यही है कहर सिंह। ओ नहीं भगत, मैंने रब को आजमा के देख लिया, वो है। वो कभी ना कभी तो नर्क का चक्कर मारता ही होगा। मैं उसके साथ बातचीत जरूर करूंगा। क्यों, रब के साथ भी जोर करना है? ओ जोर ही समझ ले, मुझे पूछना है उससे कि तेरे संसार में ये कैसा अंधेर है। तुझे कहर सिंह और भगत सिंह में कोई फर्क नहीं दिखता? ओ कहर सिंह के लिए भी फांसी और भगत सिंह के लिए भी फांसी। ये फैसले रब के नहीं कहर सिंह, अंग्रेजों के हैं, जो इतने जुल्म ढा रहे हैं। ओ उन सालों की तो फिक्र ना कर, उन सभी ने मेरे पास ही आना है नरक में, और अगर एक एक को पकड़ के जोर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी कहर सिंह नहीं। अरे कहर सिंह, तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए था। ओए जीने की तो तैयारी है भगत सिंह। हाँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? जरूर, कहना। ओए एक बार मेरे जैसे पापी को गले लगा के इस दिल को ठंडा कर दे। कहर सिंह, स्वाद आ गया भगत सिंह। कहर सिंह, वक्त हो गया। और ठहर जाओ, है कौन सी साली फांसी लगनी है? हाँ सच, फांसी ही लगनी है। अच्छा भगत, चल दिए।
ओ साले आंसू तो पोछ हवलदार, कहीं लोग ये न समझे कि फांसी के डर से कह सिंह रो पड़ा। ये तो भगत के प्यार से आंखें भर आई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जपाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। माँ, जीते रहो, लंबी उम्र पाओ। क्या हुआ माँ? मैं पागल हो गई हूँ। पागल? और नहीं तो क्या, तुझे लंबी उम्र पाने का आशीष दे दिया ना। जबकि मुझे फांसी होने वाली है, पर याद रखना माँ, माँ का दिया आशीष कभी खाली जाएगा ही नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, पर तेरा भगत रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। मेरे लाल माँ, तेरी आंखों में आंसू। अगर किसी को पता चल गया कि भगत सिंह की माँ रोई थी, तो आइंदा से कोई माँ अपने बेटे को आजादी की लड़ाई में नहीं भेजेगी। मैं तो किसी और वजह से रो रही थी। वो क्या है माँ? मुझे सरकार ने इजाजत दे दी है कि मैं उस दिन यहाँ पर आकर। सुन माँ, मेरी एक विनती है। वो भी कह दे बेटा। माँ, तू मेरी लाश लेने मत आना, तू दार जी को भेज देना। क्यों बेटा? हाँ माँ, तू अकेली मेरी माँ नहीं है, तू सारे पंजाब की माँ है, सारे हिंदुस्तान की माँ है। तूने एक बेटा गवा के लाखों बेटे पा लिए हैं। चलिए माता जी, वक्त हो गया है। फिर आऊंगी। ओह नो नो, कई दिन से आज कोई नहीं मिलना मांगता। हुजूर, फांसी कल होगी, आज मुलाकात कैसे रोक सकते हैं? कौन बोला फांसी कल होगा? फांसी आज होगा। नहीं जनाब, हुक्म कल की तारीख का है। जो कल का हुक्म देना सकता है, वो आज का हुक्म भी दे सकता है। मगर ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ सर। हिस्ट्री? हिस्ट्री अंग्रेज लिखता है। तुम जाओ, उनके नहाने का बंदोबस्त करो और कैदी लोग को बैरक्स में बंद करो। मगर सरकार। अगर मगर कुछ नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, गो एंड एग्जीक्यूट इट। यस सर। गेट लॉस्ट। अकबर खान, yes, सबको बैरक में बंद कर दो। चलो चलो, सब अपने अपनी बैरक में जाओ। चलो चलो, जल्दी करो, चलो चलो चलो, चलो। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। साहब बहादुर ने याद फरमाया? याद नहीं फरमाया, बुलाया है। हुकुम। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बात लगाओ, नहाने का बंदोबस्त करो। क्या उनके फोटो खिंचवाने हैं साहब? फोटो नहीं, फांसी होने को मांगता। फांसी? मगर साहब आप भूल रहे हैं, फांसी तो कल होनी है। कल नहीं, आज होने को मांगता है। मगर साहब ये जुल्म है, पाप है। तुमको इधर पाप और पुण्य का फैसला करने के वास्ते नहीं बुलाया, पानी का बंदोबस्त करो। फांसी सूरज चढ़ते होती है सरकार, सूरज डूबते हुए नहीं। अंग्रेज का राज में सूरज कभी नहीं डूबता, हर वक्त चढ़ता रहता है। अगर ऐसे ही जुल्म करेगा तो तेरे राज में कभी सूरज चढ़ेगा भी नहीं। बंद करो ये बकवास। अकबर खान, yes, बंद कर दो इस बूढ़े को भी अंदर। याद रख, तेरी हुकूमत का तख्ता एक दिन जरूर पलटेगा, जरूर पलटेगा। हुकूमत का तख्ता पलटेगा? इडियट, हम हिंदुस्तान का तख्ता पलटेगा। ये भी आराम उठा सकते थे घर में रह कर, पाला इनको भी था माँ बाप ने दुख सह सह कर।
जवानों जो तबीयत में तुम्हारी घट के याद कर लेना कभी उनको भी भूले भट के शहीद हिंदुस्तान के शहीद हिंदुस्तान के वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो पुकारती है ये धरा ये गगन शहीद हो वतन वास्ते वतन के लाडलो शहीदो शहीद तेरे खून से महक उठेगा ये चमन मिलेगी जिंदगी तुझे बनेगी मौत भी दुल्हन तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो तुम आज अपने सर पे बांध के कफन शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो माँ की आंख में ना आंसुओं की धार है ना आरज़ू तड़प रही ना रूह बेकरार है माँ की गोद तेरा तन है बाकपन शहीद हो माँ की गोद तेरा तन है बाकपन शहीद हो वतन वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो हौसले बुलंद अपने मौत का भी डर नहीं कट भले ही जाए पर ये झुकने वाले सर नहीं सर नहीं नशी अहम नवा अहम वतन शहीद हो अहम नशी अहम नवा अहम वतन शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो वतन के वास्ते वतन के लाडलो शहीद हो ये भी आराम उठा सकते थे घर में रह कर पाला इनको भी थमा बाप ने दुख सह सह कर नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके याद कर लेना